नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन सिंधी में। आज की वीडियो में मैं आपको मस्ट हैव मेडिसिन एट होम, मतलब कि ऐसी 10 दवाइयों के बारे में बताऊंगा, अगर आपके घर पर है तो काफ़ी अच्छा रहता है, आपको हेल्प हो सकती है। लेकिन इस दवाई के उपयोग से पहले आपको अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से बात करनी, उसकी एडवाइस लेनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। देखिए, ये जो भी दवाइयाँ होती हैं वो इसलिए घर पर होनी चाहिए ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर यह इस प्रकार की दवाई आपके घर पर है तो फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उस बीच का जो भी समय होता है, मरीज के जो भी लक्षण होते हैं, थोड़ी बहुत राहत मिलती है ताकि डिस्कम्फर्ट कम हो जाए। तो यह दवाइयाँ कौन कौन सी है अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली, सबसे कॉमन दवाई है पैरासिटामोल। लगभग सभी लोग पैरासिटामोल से वाकिफ हो गए। जो लोग वाकिफ नहीं थे, जिन लोगों को पता भी नहीं था, उन लोगों को COVID-19 के दौरान पैरासिटामोल टेबलेट के बारे में पता चला, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस टेबलेट का सेवन किया था। अगर यूज़ की बात करें तो यह टेबलेट एंटीपायरेटिक है, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार है तो बुखार को कम करने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा माइल्ड टू मॉडरेट पेन, अगर किसी व्यक्ति को माइल्ड टू मॉडरेट पेन है, दर्द हो रहा है, सिर दर्द है या फिर बॉडी में किसी भी जगह बॉडी एक है, तो ऐसे में पैरासिटामोल दवाई दी जाती है। अगर डोजेस की बात करें तो 500 mg से लेकर 1000 mg दिन में 4 बार तक आप दे सकते हो, एवरी 6 आवर, लेकिन अंडर मेडिकल सुपरविजन। आपको अपने आप से कभी भी डोज तय नहीं करना है। और ये जो डोज होता है वो कभी भी 4000 mg पर डे से बढ़ना नहीं चाहिए, मतलब कि डॉक्टर भी इस प्रकार का ध्यान रखते हैं, इस प्रकार से डोज डिसाइड करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पर डे 4000 mg से कम डोज ही दिया जाए, वरना लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फॉर्म की बात करें, डोजेस फॉर्म की बात करें, तो टेबलेट फॉर्म में होता है पैरासिटामोल, जिसमें 300 mg DT का मतलब होता है डिस्पर्सिबल टेबलेट, पानी में उसे घोलकर दी जाती है। इसके अलावा 500 mg, 650 mg और 1000 mg तक मिलती है। 1000 mg में बायलेयर टेबलेट होती है, एक लेयर होता है इमीडिएट रिलीज, एक लेयर होता है सस्टेन रिलीज। इसके अलावा होता है सस्पेंशन, जिसमें 250 mg पैरासिटामोल होता है पर 5 ml, और एक होता है ओरल ड्रॉप पर ml 100 mg पैरासिटामोल होता है, जो खास करके जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए जो फॉर्म है वो उपयोग में लिया जाता है। अगर स्पेशल कंसिड्रेशन की बात करें, अगर किसी व्यक्ति को लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है तो पैरासिटामोल नहीं देनी है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी संबंधित है प्रॉब्लम, पैरासिटामोल नहीं देनी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करता है तो ऐसे केसेस में भी पैरासिटामोल प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। और जो पैरासिटामोल का जो डोज तय होता है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि एज के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर कोई बच्चा है, 9 महीने का बच्चा है, 2 बच्चे हैं, एक का वजन 9 किलो है, 9 महीने का बच्चा है, एक का वजन 5 किलो है, 9 महीने का बच्चा है, थोड़ा दुबला बच्चा है, अगर एज के हिसाब से हम उसे पैरासिटामोल देते हैं तो जो 5 किलो का बच्चा है उसके लिए ओवरडोज हो जाएगा, जो 9 किलो का बच्चा है उसको प्रॉपर डोज नहीं मिल पाएगा, इनसफिशियंट डोज हो जाएगा। तो इसका जो बॉडी वेट के आधारित जो डोज होता है वो 15 mg पर kg पर बॉडी वेट होता है। और पैरासिटामोल दवाई का उपयोग कभी भी बिना डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के कंसल्ट के बिना कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरी कॉमन मेडिसिन है आइबुप्रोफेन। अगर यूज़ की बात करें तो एनाल्जेसिक है, NSAIDs, मतलब नॉन स्टीरोइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब कि सूजन रोधी भी है। एनाल्जेसिक मतलब कि पेन रिलीफ करती है, खास करके फीवर को कम करने के लिए, अगर सिर दर्द है, हेडेक है फीवर के साथ, तो ऐसे में, और माइल्ड टू मॉडरेट बॉडी एक है, शरीर में कोई भी पेन है, तो इसके लिए आइबुप्रोफेन दी जाती है। अगर डोजेस की बात करें तो 200 mg से लेकर 400 mg तक TID, मतलब कि दिन में 3 बार आप दे सकते हो। 1200 mg से ज़्यादा डोज पर डे नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन है आइबुप्रोफेन का पैरासिटामोल के साथ, जो लगभग सभी के घर पर होता है। ब्रांड नेम यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन एक मोस्ट कॉमन ब्रांड नेम है जो लगभग सभी के घर पर होता है, जिसमें पैरासिटामोल विथ आइबुप्रोफेन होता है। मेरी सलाह यह है कि कभी भी दोनों को साथ में नहीं लेना चाहिए। वैसे डॉक्टर कई बार इस प्रकार का कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब करके देते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर फार्मासिस्ट बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने आप से कभी भी दोनों को एक साथ मिलाना नहीं चाहिए। इसके पीछे का रीज़न यह है कि अगर आपको पैरासिटामोल की सिर्फ ज़रूरत है तो आप वही लीजिए, सिर्फ आइबुप्रोफेन की ज़रूरत है तो वही लीजिए, खामखा दोनों को मिक्स
मत कीजिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, विदाउट डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के सलाह आपको कभी भी इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है विद पैरासिटामोल नहीं लेना चाहिए। अगर स्पेशल कंसिडरेशन की बात करें, आइबुप्रोफेन को कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए। अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हो, मतलब खाना खाने से पहले लेते हो, तो ऐसे में स्टमक अपसेट हो जाता है, अल्सर, स्टमक में अल्सर होने के यानी कि छाले होने की संभावना रहती है। जब भी आप उसे ले तो फूड के साथ लें या फिर इमीडिएट आफ्टर मील आपको लेना है, और विदाउट डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट कंसल्ट किए बिना कभी भी इस प्रकार की दवाई नहीं लेनी है। खास करके बच्चों को तो इस प्रकार की दवाई नहीं देनी चाहिए। नंबर तीन है एंटी हिस्टामाइन। देखिए, एंटी हिस्टामाइन का मतलब है कि जब भी हमारे शरीर में हिस्टामाइन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर हमारे घर पर एंटी हिस्टामाइन है तो फिर इस प्रकार के सिम्टम्स को हम रोक सकते हैं। इसमें मोस्टली यूज होती है सेटिरिजिन, डाइफेनहाइड्रामाइन, क्लोरफिनरामाइन। इसके अलावा लोराटिडिन करके एक स्पेशल नॉन ड्राउजी फॉर्मूला भी होता है। अगर यूज की बात करें तो देखिए, जब भी हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, जिससे हमारे शरीर में हिस्टामाइन की मात्रा बढ़ जाती है और हमें कुछ प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि इचिंग यानी कि खुजली होना, हाइव्स हो जाते हैं, मतलब कि खुजली वाले कुछ उभरे हुए दाने हमारे शरीर में हो जाते हैं, वेल्स हो जाते हैं, लाइनें हो जाती है, चकते हो जाते हैं, इरिटेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन जैसा महसूस होता है। तो जब भी हमें इस प्रकार की कोई सिचुएशन आती है, या अगर हमारे आसपास कोई जीव जंतु है जैसे कि मधुमक्खी है, अगर आपको काट लेती है तो जिस प्रकार से एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिस प्रकार से खुजली और पेन की परेशानी होती है, तो उसमें आप अगर क्लोरफिनरामाइन या फिर डाइफेनहाइड्रामाइन या फिर सेटिरिजिन ऐसे कोई भी एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन लेते हो तो आपको दर्द से राहत मिलती है और आपको जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जब तक आप अस्पताल या फिर कोई क्लिनिक तक नहीं पहुंचते तो आपके जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो आप कंफर्टेबल हो सकते हो। तो अगर आपके पास इस प्रकार की दवाई होती है तो ये मुमकिन हो जाता है। डोज की बात करें तो इस पर टाइप कौन सी मेडिसिन है उसके ऊपर डिपेंड होता है, या फिर जिस प्रकार से डॉक्टर आपको डायरेक्ट करते हैं, फिजिशियन आपको बोलते हैं, उस प्रकार से इसका डोज होना चाहिए। अगर स्पेशल कंसिडरेशन की बात करें तो जो भी एंटी हिस्टामाइन होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ जो दवाइयाँ होती है जो लेने से ड्राउजीनेस यानी कि सेडेशन जैसा, नींद जैसा आता है, तो ये जो भी दवाई हो बेटर है कि आप रात के समय लीजिए। लेकिन अगर इमरजेंसी में अगर डे टाइम पर लेनी पड़ती है तो ये दवाई लेने के बाद आपको ड्राइव नहीं करना है, या फिर अगर आप इस प्रकार की दवाई डे टाइम पर लेते हो या फिर आप जब भी जिस जगह पर काम करते हो वहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है आपके पास है, अगर आपने इस प्रकार की दवाई ली, तो अगर आप हैवी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, ऐसा काम है जिसमें थोड़ी सी भी अगर चूक होती है तो आपको या फिर आपके आसपास के लोगों को नुकसान होता है, तो इस प्रकार की दवाई लेने के बाद इस प्रकार का कोई भी काम आपको नहीं करना है। स्पेशल होता है लोराटिडिन करके दवाई है, एंटी हिस्टामाइन ही रहे, लेकिन नॉन ड्राउजी फॉर्मूला है जो आपको डे टाइम पर आप ले सकते हो, लेकिन विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर फार्मासिस्ट को कंसल्ट किए बिना कभी भी इस प्रकार की दवाई, खास करके लोराटिडिन नहीं लेनी। इस प्रकार की अगर एंटी हिस्टामाइन आपके घर पर मौजूद है तो जब तक आप अस्पताल नहीं पहुंचते, जब तक आप क्लिनिक पर नहीं पहुंचते, तब तक आपके सिम्टम्स को ये थोड़ा रोक कर रखती है, तो इस प्रकार की दवाई भी आपके घर पर होनी चाहिए। नंबर चार है एंटासिड्स। नाम देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि एंटासिड्स मतलब कि अगर आपके स्टमक में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एसिड क्रिएट होता है, एसिडिटी होती है, तो उससे राहत दिलाने के लिए, टेम्पररी राहत दिलाने के लिए कुछ मेडिसिन होती है, जैसे कि रानीटिडिन, फेमोटिडिन, राबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेस्मोप्राजोल या कुछ ओटीसी प्रोडक्ट होती है। खास करके आपने देखा होगा तो पिंक कलर की टेबलेट्स होती है, पिंक कलर का सस्पेंशन होता है जो डॉक्टर आपको अक्सर देते हैं या फिर आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर जाकर भी लेते हो, जिससे क्या होता है कि प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पर जब भी आपको पेट में जलन जैसा महसूस होता है, हार्टबर्न होता है, सीने में जलन होता है, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की परेशानी होती है, तो ऐसे में ये दवाई काम करती है। अगर डोजेस की बात करें तो डिपेंड्स होता है कौन सी दवाई है, रानीटिडिन का डोज अलग है, फेमोटिडिन का अलग है, राबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ओटीसी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका डोज अलग होता है, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से बात करनी जरूरी होती है। अगर स्पेशल कंसिडरेशन की बात करते हैं तो ये जो भी एंटासिड है नॉट फॉर प्रोलॉन्ग यूज, मतलब कि लंबे समय के लिए यूज नहीं करना है, वरना कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज या फिर डायरिया यानी कि दस्त होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। और अगर ये जो भी सिम्टम्स होते हैं, हार्टबर्न है, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन यानी कि स्टमक अपसेट, स्टमक से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होते हैं, अगर फ्रीक्वेंट है, बार बार दिखाई दे रहे हैं, आप दवाई लेते हो, थोड़े दिन के लिए खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन फिर से वापस आ जाते हैं, फ्रीक्वेंट सिम्टम्स होते हैं, फिर क्रॉनिक प्रॉब्लम है, क्रॉनिक कंडीशन है,
कोई एक प्रकार की कंडीशन अगर 6 महीने से ज़्यादा तक चलती है तो ऐसे में बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर से बात करनी काफ़ी ज़रूरी होती है, अपने आप से डिसाइड नहीं करना है। लेकिन अगर सामान्य प्रॉब्लम है तो आपके घर पर अगर एंटासिड है, कोई OTC प्रोडक्ट है जैसे कि जो सेचेट में आता है, जो ब्रांड नेम अगर बात करूँ तो इनो है, सुडाकुल है, इस प्रकार का जो भी गेसोफास्ट करके हो, जो भी ये सेचेट में आता है, तो इस प्रकार का जो भी आपके पास अगर एंटासिड है तो काम चल जाता है, आपको टेम्पररी राहत मिलती है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर फ्रीक्वेंट सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, फिर क्रॉनिक कंडीशन है, तो ऐसे में डॉक्टर से बात करनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। नंबर 5 है कफ सप्रेशन यानी एक्सपेक्टोरेंट, मतलब कि अगर आपके शरीर में बलगम है, ड्राई कफ है, तो ऐसे में आपके घर पर यह कफ सप्रेशन या फिर एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन होनी चाहिए, जिसमें डेक्सट्रोमिथ्रोफान, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमेक्सिन, गोफेंसिन इत्यादि ड्रग्स, इत्यादि जो भी मेडिसिन है उसका समावेश होता है। अगर उपयोग की बात करें तो ड्राई कफ के लिए, खास करके जो डेक्सट्रोमिथ्रोफान है वो ड्राई कफ के लिए, और बाकी जो एम्ब्रोक्सोल है, ब्रोमेक्सिन है, गोफेंसिन है, वो सब वेट कफ यानी कि अगर बलगम जैसे निकल रहा है तो उसके लिए राहत देती है। अगर डोज की बात करें तो एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, जिस प्रकार से डॉक्टर डिसाइड करते हैं, वैसे तो इसमें पर 5 ml या फिर पर 10 ml कुछ जो भी मात्रा होती है, तो जनरली ऐसा कहा जाता है, हम लोग इस प्रकार से एडवाइस देते हैं कि खाना खाने के बाद 5 ml या फिर 10 ml आप दिन में 2 बार या फिर 3 बार ले सकते हो। बच्चों के लिए डोज नहीं है, बच्चों के लिए आपको ऑलवेज पीडियाट्रिशियन की सलाह लेनी है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। अगर आप अपने आप के लिए ले रहे हो, आप एडल्ट हो, अपने आप के लिए ले रहे हो, तो 5 ml या फिर 10 ml ट्वाइस या फिर थ्राइस डे आप ले सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, और डॉक्टर से बात करनी भी जरूरी होती है। अगर स्पेशल कंसिड्रेशन की बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो उसके साथ कभी भी इस प्रकार का जो भी मेडिसिन है कभी भी लेनी नहीं चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, समटाइम्स सेडेशन यानी कि ड्राउजीनेस जैसा फील होता है, क्योंकि डेक्सट्रोमिथ्रोफान के साथ क्लोरफिनरामाइन जो भी कंटेंट होता है, फिनाइलेफ्रिन कंटेंट होता है, वो काफ़ी अक्सर देखने को मिलता है, मोस्ट वाइडली यूज होता है, जिसके हिसाब से, जिसकी वजह से सेडेशन यानी कि ड्राउजीनेस आता है। तो जिस प्रकार से हमने एंटी हिस्टामिन में बात की, जिस प्रकार के प्रिकॉशंस आपको एंटी हिस्टामिन मेडिसिन के लिए लेने, उस प्रकार के कुछ प्रिकॉशंस आपको कफ सप्रेशन या फिर एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन के लिए भी लेने हैं। और आपको बच्चों के लिए जब भी आप करें तो आपके पीडियाट्रिशियन से बात करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। नंबर 6 है टॉपिकल एंटीफंगल क्रीम, जिसमें क्लोट्रिमाजोल, लुलिकोनाजोल, किटोकोनाजोल इत्यादि का समावेश होता है। देखिए, क्रीम भी अगर आपके घर पर है, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन यानी कि रिंगवर्म की समस्या है, तो ऐसे में आपको यह टेम्पररी राहत दे सकती है। लेकिन अगर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, सीवियर है, तो फिर डॉक्टर से बात करनी जरूरी होती है। यूज़ की बात करें तो रिंगवर्म जो डर्मेटोफाइटिस नाम के फंगस से फैलता है, जो कैंडिडियासिस फंगल से भी जो भी इन्फेक्शन फैलता है, उसमें खास करके जो फंगल इचिंग होती है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो खुजली की समस्या होती है, इरिटेशन की समस्या होती है, बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन की समस्या होती है, जो आपके शरीर पर चकते हो जाते हैं, जिसकी एजिस उभरी हुई होती है, इस प्रकार के जो भी रिंगवर्म होते हैं, उसके लिए ये जो टॉपिकल एंटीफंगल क्रीम होती है, प्योर एंटीफंगल क्रीम जिसमें स्टीरॉयड नहीं है, इस प्रकार की क्रीम बहुत ही काम आती है। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर आपको थीन लेयर बनाना है, हल्के हाथों से लगाना है, डू नॉट रब, मतलब कि उसे घिसना नहीं है, और 1 से 2 टाइम दिन में आप लगा सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, और जिस प्रकार से डॉक्टर अगर आप कंसल्ट करते हो आपको क्रीम देते हैं, अगर आप उसके बाद जब कंसल्ट करने नहीं जाते हो, डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर से क्रीम ले लेते हो, जिस प्रकार से डॉक्टर ने पहले बोला था उस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। अगर स्पेशल कंसिडरेशन की बात करें तो ये जो भी टॉपिकल एंटीफंगल क्रीम है वो एक्जेमा, सोरियासिस और हाइव्स उसके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिंगवर्म के लिए ही इस्तेमाल करना है, ये जो कंडीशन है उसमें काम नहीं करेगी, तो आपका समय भी बर्बाद होगा, अगर आप इस कंडीशन में यूज़ करेंगे आपके पैसे भी बर्बाद हो गए। लॉन्ग यूज़ नहीं करना है, लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना है, जिस प्रकार से हमने पहले बात की, अगर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है, अगर बार बार रिंगवर्म इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर क्रॉनिक कंडीशन है, 6 महीने से ज़्यादा यह परेशानी है, तो अपने आप से कुछ भी ट्राई ना करके अपने डॉक्टर से बात करनी है। टॉपिकल एंटीफंगल के साथ साथ जो भी ओरल एंटीफंगल है उसका वो उपयोग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 7 है टॉपिकल स्टीरॉयड क्रीम, जिसमें बीटामिथाजोन, क्लोबेटासोल, हाइड्रोकोर्टिजोन 1% का समावेश होता है। इसके अलावा भी और दूसरी ये जो क्रीम होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के एडवाइस, बिना फार्मासिस्ट के एडवाइस ये यूज़ नहीं करनी है। जिन लोगों के घर पर कोई ऐसा मरीज है जिन्हें एक्जेमा है, सूर्यासिस या फिर इस प्रकार की कोई भी स्किन कंडीशन है, तो ऐसे में यह दवाई आपके घर पर होनी चाहिए। इसका उपयोग की बात करें
तो एक्जिमा और सोरियासिस में उपयोग में ली जाती है। एप्लीकेशन की बात करें तो जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर थीन लेयर करना है, डू नॉट रब, मतलब कि इसे घिसना नहीं है। अगर स्पेशल कंसिड्रेशन की बात करें तो सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म यूज़ कभी भी नहीं करना है। अगर इस क्रीम का उपयोग बहुत ही लंबे समय के लिए बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर के एडवाइस, बिना फार्मासिस्ट के एडवाइस करते हो तो इन फ्यूचर थीनिंग ऑफ स्किन, मतलब कि आपकी स्किन जो अफेक्टेड भाग है वह काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन की सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जो मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, मतलब कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन लगने के चांसेस है, यहाँ तक कि स्किन कैंसर तक भी हो सकता है। तो इस क्रीम के उपयोग में आपको इस बात का ध्यान रखना है। यह क्रीम रिंगवर्म के लिए उपयोग में नहीं लेनी है। अगर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इस प्रकार की समस्या हो रही है, क्रॉनिक कंडीशन है, 6 महीने से ज़्यादा है, तो अपने डॉक्टर से बात करनी है, अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। नंबर 8 है पोविडोन आयोडीन क्रीम। क्रीम के अलावा पाउडर और गार्गल फॉर्म में भी उपलब्ध होता है यह कंटेंट, खास करके एंटीसेप्टिक क्रीम होती है। जब भी कट्स, वाउंड, स्क्रैप्स जो माइनर होते हैं उसके लिए हम इस ट्यूब का उपयोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो स्मॉल अमाउंट में आपको अफेक्टेड भाग पर लगानी है, दिन में 1 से 3 बार आप लगा सकते हो। अगर स्पेशल कंसिड्रेशन की बात करें तो प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं करना है, लंबे समय के लिए इसका यूज़ नहीं करना, एक्सटर्नल यूज़ ही करना है। अगर किसी व्यक्ति को आयोडीन की एलर्जी है, अगर किसी व्यक्ति को आयोडीन से सेंसिटिविटी है तो ऐसे में इस ट्यूब का उपयोग नहीं करना। अगर किसी व्यक्ति को थायराइड प्रॉब्लम है तब भी इस क्रीम का उपयोग नहीं करना है। अगर सीवियर कट है, वाउंड है, स्क्रैप्स है, इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा है तो ऐसे में अपने डॉक्टर से बात करनी है, अपने आप से इस क्रीम का उपयोग नहीं करना है। छोटे मोटे आप कट्स के लिए, माइनर कट्स के लिए, वाउंड्स के लिए, स्क्रैप्स के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर सीवियर केसेस है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नंबर 9 है क्रीम फॉर बर्न्स, मतलब कि छोटे मोटी कोई जलन हुई है, माइनर बर्न्स है, तो इस कंडीशन में अगर आपके घर पर यह क्रीम होती है तो काफ़ी राहत मिलती है। इसमें एज अ मेन एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के तौर पर सिल्वर सल्फाडाइजाइन होता है, इसके अलावा एलोवेरा जो सूथिंग इफेक्ट देता है, इसके अलावा लिडोकाइन जो पेन नमनेस यानी कि जो दर्द हो रहा है उसे कम कर देता है, मतलब कि उसे फील नहीं होने देता, दर्द तो वहाँ पर होता है लेकिन इस लिडोकाइन के हिसाब से इसकी वजह से जो भी यहाँ वहाँ पर पेन होता है वो आप फील नहीं कर पाते हो। तो इस प्रकार की जो क्रीम होती है अगर आपके घर पर है, अगर माइनर बर्न्स है तो ऐसे में राहत मिलती है। यूज़ ओनली फॉर माइनर बर्न्स। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो आपको जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर जेंटली लगाना है, इसे रब नहीं करना है, घिसना बिल्कुल नहीं है। अगर स्पेशल कंसिड्रेशन की बात करें तो ओनली फॉर माइनर बर्न्स। अगर सीवियर बर्न है तो ऐसे में इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करके अस्पताल में दाखिल होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसी कंडीशन में, सीवियर बर्न में आपको इस क्रीम का उपयोग नहीं करना है। नंबर 10 है नज़ल स्प्रे। दो प्रकार के नज़ल स्प्रे अवेलेबल होते हैं, एक होता है मेडिकेटेड जिसमें दवाई होती है, एलोपैथिक कंटेंट होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, एक होता है नॉन मेडिकेटेड जिसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता, मतलब कोई एलोपैथिक कंटेंट नहीं होता। अगर बात करें मेडिकेटेड नज़ल स्प्रे की तो उसमें जो मेन कंटेंट होता है वो होता है ऑक्सीमेटाजोलिन, जो OTC तौर पर आपको मिल जाता है, इसकी एडवर्टाइजमेंट भी TV पर आती है, तो आप खरीद सकते हो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये मोस्टली एडल्ट के लिए यूज़ करने की हम सलाह देते हैं कि जो ऑक्सीमेटाजोलिन है वो मोस्टली अगर आप एडल्ट हो तो यूज़ करें। देखिए पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशन भी आता है लेकिन फिर भी आपको अपने डॉक्टर से बात करनी, पीडियाट्रिशियन से बात करनी काफ़ी ज़रूरी होती है अगर आप बच्चों के लिए ऑक्सीमेटाजोलिन यूज़ करते हो तो। दूसरा होता है नॉन मेडिकेटेड जिसमें नॉर्मल सलाइन ड्रॉप होते हैं जो बच्चों के लिए सेफ होता है लेकिन फिर भी डॉक्टर से बात करनी तो ज़रूरी होती ही है। अगर यूज़ की बात करें तो नज़ल डिकंजस्टन, मतलब कि अगर आपका नाक बंद हो गया है रात के समय, खास कर कैसा होता है अगर कोल्ड एंड फ्लू की सिचुएशन है, अगर आप एलर्जिक हो किसी भी चीज़ से तो फिर आपका नाक रात को बंद हो जाता है, दिन में भी बंद हो सकता है, तो ऐसे में जब भी आप इस नज़ल स्प्रे का उपयोग करते हो तो आपका नाक खुल जाता है, तो जो सांस लेने में दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है वो दूर हो जाती है, आप कंफर्ट फील करते हो, आपको रिलीफ मिलती है। अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आपको एक बार दोनों नोस्ट्रिल में एक एक बार बारी बारी आपको स्प्रे करना है। जब भी आप स्प्रे करते हो तो मीनवाइल दरमियान आपको क्या करना है कि आपको जेंटल ब्रीथ करना है, मतलब कि स्प्रे करके आपको सांस लेनी है ताकि ये जो स्प्रे है जिसके जो भी ड्रॉपलेट्स होते हैं आपके नाक में अच्छी तरह से फैल जाए, तो इच नोस्ट्रिल में स्प्रे करना है जेंटल ब्रीथ वाइल अप्लाई। जब भी अप्लाई करते हो तो आपको धीरे से सांस लेनी है। स्पेशल कंसिड्रेशन की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना है जिससे सीवियर सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकती है। अगर
इन बिटवीन जब भी आप यूज करते हो आपको गले में खराश जैसा महसूस हो, बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसा महसूस हो, आपको कफिंग की प्रॉब्लम हो, आपको ड्राई कफ हो जाए, आपको बहुत ही ज्यादा खांसी आने लगे, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी होता है। इसके अलावा एक स्टीरॉइड स्प्रे भी होता है जो स्पेशल कंडीशन में दी जाता है, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी होती है। तो यह थी जानकारी 10 ऐसी दवाइयों के बारे में जो कॉमन मेडिसिन है जो हर किसी के घर पे होनी चाहिए, लेकिन इसके उपयोग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से बात करनी काफी जरूरी होती है, ताकि इसकी साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन, फूड टू ड्रग इंट्रैक्शन ना हो, इस चीज से आप बच पाए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है बेझिझक कमेंट में पूछिएगा। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल है तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।